il y a trop de voitures. ये देखो दोस्तों, कोरोना महामारी के संकट में हर कोई जूझ रहा है, लेकिन एक लड़ाई कोरोना के अलावा जम्मू कश्मीर में भी लगातार लड़ी जा रही है आतंकियों से, और उसी का एक वीडियो है जो हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ करते हुए हमारे ये जवान शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार भी गिराया गया है। मरने वाले दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए गए, एक आतंकी स्थानीय भी बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सुबह कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल की कमान संभाल रहे थे और 21 राष्ट्रीय राइफल्स हंदवाड़ा इलाके में सुरक्षा करती है। जैसे ही कर्नल आशुतोष को आतंकियों के छुपे रहने की जानकारी मिली, वो अपनी टीम को नेतृत्व करते हुए सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़े, लेकिन जिस घर में आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी, दरअसल वो वहां थे नहीं। उसके बाद कर्नल आशुतोष शर्मा आतंकियों को घेरने दूसरे घर में पहुंचे और आतंकी दरअसल वहीं थे। दोपहर को बाहर से कमांड ले रहे ऑफिसर्स का कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क टूटा और आखिरकार आज सुबह सभी लोगों का शव वहां से बरामद हो गया। इसमें दो आतंकी हालांकि मारे जरूर गए हैं, लेकिन हमारे 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। ये देखो।